Audio Jungle. नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड की 12,000 महिलाओं को मिलेगा रोजगार, इस कंपनी ने किया झारखंड सरकार के साथ करार। झारखंड की 12,000 महिलाओं को इस वर्ष रोजगार मिल सकेगा। देश विदेश में धागा, कपड़ा व परिधान बनाने वाली कंपनी ने प्रमुख कोयम्बटूर स्थित केपीआर मिल्स ने झारखंड सरकार से राज्य की 12,000 महिलाओं को रोजगार देने की बात कही है। प्रथम चरण में राज्य सरकार ने झारखंड की 6,000 युवतियों महिलाओं को कोयम्बटूर भेजने का निर्णय लिया है। इस बाबत राज्य सरकार शीघ्र ही केपीआर मिल्स के साथ एमओयू करेगी। इस संबंध में राज्य सरकार व कंपनी के बीच बातचीत हो चुकी है। एमओयू की जिम्मेवारी श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग को दी गई है। एमओयू के तहत नियम और शर्तों से संबंधित प्रस्ताव पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। झारखंड से खुश करने वाली खबर आ रही है। राज्य में पिछले 2 दिनों से कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। वहीं झारखंड में कोरोना के कुल 152 नए संक्रमित मिले हैं, तो उतने ठीक भी हुए। देश भर में 16 जनवरी से कोरोना के टीके लगाने का अभियान शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले राज्य से खुश करने वाली खबर आ रही है। खबर है कि झारखंड में पिछले 2 दिनों से कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। वहीं झारखंड में कोरोना के कुल 152 नए संक्रमित मिले हैं, तो उतना ठीक भी हो चुका है। झारखंड में कोरोना किस तरह से काबू है, इसका उदाहरण आप इस तरह से जान सकते हैं। राज्य के 24 जिलों में से 7 जिला गिरिडीह, गढ़वा, गोड्डा, लोहरदगा, पाकुड़, साहेबगंज और सिमडेगा में एक भी संक्रमित नहीं मिला। 4 जिले जैसे चतरा, दुमका, कोडरमा, रामगढ़ में एक एक संक्रमित मिले हैं और 3 जिले रामजामताड़ा, खूंटी, सरायकेला में 2-2 संक्रमित मिले हैं। झारखंड में 152 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसमें 104 सिर्फ 3 जिले के हैं। वहीं राजधानी रांची में 77, पूर्वी सिंहभूम में 15 और हजारीबाग में 12 नए संक्रमित मिले हैं। झारखंड के सभी 24 जिलों के कुल 129 स्थानों पर कोविशील्ड टीके के 1.62 लाख खुराकें पहुंचा दी गई है। झारखंड के प्रमुख सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि कोविशील्ड की 1.62 लाख खुराकों की खेप बुधवार को विमान से रांची पहुँच गई है। इन टीकों को राज्य विभाग स्वास्थ्य मिशन के टीकाकरण वैन के माध्यम से नामकुम में स्वास्थ्य विभाग के भंडारण केंद्र पहुंचाया गया। वहां से कुल 129 टीकाकरण केंद्रों तक टीके पहुंचा दिए गए हैं। कुलकर्णी ने बताया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने झारखंड के लिए फिलहाल कुल 129 टीकाकरण केंद्रों की अनुमति दी है और इन सभी केंद्रों पर केंद्र सरकार से आवंटित सभी टीके पहुँचा दिए गए हैं। झारखंड राज्य में गरीबों को मिलने वाले सरकारी राशन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी उजागर हुई है। सरकारी जांच रिपोर्ट कर रही है कि विभाग द्वारा अब तक राज्य में कराए गए 4.50 लाख राशन कार्डों की जांच में 2.60 लाख राशन कार्ड फर्जी मिले हैं। इन राशन कार्ड को आधार कार्ड के नंबर में हेरफेर कर बनवाया गया था। बाद में फिजिकल वेरिफिकेशन में इसमें सत्यता पाई गई, जिसके बाद 2.60 लाख लोगों के नाम राशन कार्ड से हटा दिए गए हैं। राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस बारे में कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में इस तरह के कारनामे हुए हैं, जिसकी जांच कराई गई। जांच के दौरान कई गड़बड़ी सामने आई है। उन्होंने कहा कि दोषी अधिकारी को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड फर्जीवाड़े में विभागीय पदाधिकारी से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि तक शामिल है। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश महासचिव शिव प्रसाद ठाकुर ने गुरुवार को केंद्र सरकार के कृषि बिल को किसान हित का बताया है। कहा कि इससे झारखंड के किसानों को पूरा फायदा मिलेगा, किसानों की आर्थिक तरक्की होगी, वे अब अपनी उपज का ज्यादा से ज्यादा मूल्य हासिल कर सकेंगे, जिसका प्रयास बिल में किया गया है। पहले किसान बिचौलियों के चंगुल में फंसे रहते थे, परंतु बिल ने कई प्रकार की आजादी किसानों को प्रदान की है। साहिबगंज जिले के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कृषि बिल से किसानों को घाटा होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार MSP को हटाने की बात नहीं कर रही है। राज्य के किसान अब इस साल धान की बम्पर फसल उपजा कर राज्य सरकार की लापरवाही के कारण घूम रहे हैं। पिछले साल 15 नवंबर से धान की खरीद शुरू हुई थी, परंतु इस साल दिसंबर में शुरू हुआ है, पर धान देने वाले किसानों को समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। खबर है झारखंड के पाकुड़ से। जिले भर में गुरुवार को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया गया। जिला सहित प्रखंड मुख्यालय व ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सुबह होते ही गंगा स्नान के लिए धुलियान और फरका आदि के लिए रवाना हुए। स्थानीय स्तर पर
नदी तालाबों में भी स्नान करने वाले की होड़ लगी रही। नदी तालाब में स्नान कर लोग भगवान सूर्य की आराधना की। इसके बाद घर पहुंचकर दही चूड़ा तिलकुट आदि का लुप्त उठाया। दोपहर व रात में लोगों ने विभिन्न प्रकार के व्यंजन डालकर खिचड़ी का आनंद उठाया। मकर संक्रांति को लेकर मिठाई व तिलकुट की दुकानों में भीड़ देखी गई। खबर है झारखंड के दुमका से। 31 मार्च से दक्षिण भारत का दर्शन कराएगा भारतीय रेल। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने नए साल में 31 मार्च से भारत दर्शन यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। कोविड-19 संक्रमण के तमाम गाइडलाइन का पालन करते हुए यात्रियों को दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों का दर्शन कराया जाएगा। गुरुवार को शहर के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी देते हुए IRCTC के उप महाप्रबंधक राजेंद्र बोलबान ने कहा कि 31 मार्च से इसकी शुरुआत दक्षिण भारत दर्शन से होगी। इसके लिए 10 रात और 11 दिन की यात्रा की प्लानिंग तय की गई है। इसके तहत तिरुपति, मदुरे, रामेश्वरम, कन्याकुमारी और पद्मनाभस्वामी मंदिर का दर्शन कराया जाएगा। यात्रा की शुरुआत 31 मार्च को भारत दर्शन स्पेशल ट्रेन के द्वारा मुंगेर से प्रारंभ होकर भागलपुर, दुमका, जसीडीह, आसनसोल, बांकुड़ा होते हुए दक्षिण भारत के गंतव्य स्थानों होगी। खबर है झारखंड के गढ़वा से। दहेज प्रथा व बाल विवाह समाज के लिए कोड बन गया है। नेहरू युवा केंद्र गढ़वा के तत्वाधान में गुरुवार को अंश युवा मंडल गरबांध के कार्यालय में राष्ट्रीय युवा दिवस के अंतर्गत लोगों में बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। केंद्र के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक अभिषेक कुमार चौबे ने कहा कि दहेज प्रथा के कारण आज भी भारतीय समाज में बाल विवाह धड़ल्ले से हो रहा है। दहेज प्रथा व बाल विवाह हमारे समाज के लिए एक कोड बन गया है, जिसे हम सभी को मिलकर जड़ से समाप्त करना होगा। इसके लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में मकर संक्रांति के दिन राजधानी में सुबह 7 बजे तक हल्का कोहरा देखने को मिला। इसके बाद आसमान धीरे धीरे साफ हो गया और धूप खिली। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को आसमान मुख्यतः साफ ही रहा। हालांकि शाम में कनकनी फिर से बढ़ने लगी। हवा की रफ्तार भी शाम में बढ़ गई। हालांकि रांची के अधिकतम तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं पर झारखंड में राज्यभर की बात करें तो पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक गर्म चाईबासा रहा। यहां का अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राज्य में सबसे ज्यादा ठंड शहर रांची रहा। यहां न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगले 48 घंटे की बात करें तो देवघर, धनबाद, गिरिडीह, दुमका, साहिबगंज और बोकारो का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान औसतन 24 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।